हेलो बच्चों एंड पेरेंट्स, बेसिकली ये 9th एंड 10th क्लास के लिए इन्फॉर्मेशन है और एक टेस्ट सीरीज का मैं शेड्यूल आप लोग के सामने रख रहा हूँ। और बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट सीरीज इज टू एनहेंस द यू नो द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन सच एज NTSC और जस्ट टू प्रिपेयर देयर फाउंडेशन फॉर क्लास 11th एंड 12th इफ देयर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर बिगर एग्जाम लाइक IIT, NEET और एनी अदर एग्जामिनेशन आफ्टर 12th क्लास और इवन NTSC लेवल एट 10th क्लास। सो दिस टेस्ट सीरीज वॉज बेसिकली डिजाइन फॉर फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट जो टॉपर थे। कुछ ऐसे बच्चों को हमने आइडेंटिफाई किया था और उनके लिए टेस्ट सीरीज हमने डिजाइन किया था और वो क्लास 10th में है। तो अभी मैं आपको जो शेयर करूंगा वो 9th सिलेबस शेयर करूंगा और 10th सिलेबस जब मैं बताऊंगा तो उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं क्लास 10th की भी अभी दे दूंगा। ये पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज का जो सीक्वेंस है वो NCERT को डिफाइन करके किया गया है, बट इसमें काफी टॉपिक ICSE बोर्ड के भी कवर किए जा रहे हैं। कुछ लेफ्ट आउट जो टॉपिक हैं ICSE के वो 9th क्लास में हमारे यहाँ जो कोचिंग में बच्चे ले रहे हैं उनको मिलेगा एज इट इज जैसे उनको मिलता है। बट ये जो हमने शुरू में डिसाइड किया था कुछ टॉपर बच्चों को हम ये देंगे जो 10वीं में है, 9th की टेस्ट सीरीज उनको हम देंगे जस्ट टू रिवाइज क्लास 9th, जिससे कि 9th अगर उनका अच्छा रिवीजन होगा तो ये ब्रिज का काम करेगा जब वो 10th बोर्ड दे के 11वीं क्लास में जाएंगे। मैं आप लोग को थोड़ा उससे पहले बता दूं, 9th क्लास मोर और लेस 11th क्लास के साथ मैच करता है। जो 9th के टॉपिक होते हैं वो जनरली क्लास 11th में होते हैं और जो 10th के टॉपिक होते हैं वो जनरली 12th में होते हैं। तो अगर बच्चे का 9th अच्छे से प्रिपेयर हो जाए तो काफी हद तक ब्रिज कर जाता है उस गैप को फिल कर लेता है जो 10वीं बोर्ड के बाद एकाएक उसे 11वीं में फील होता है। और वो जब किसी कोचिंग में, किसी ट्यूशन में, किसी स्कूल में जाता है तो उसे बहुत ह्यूज गैप जो लगता वो इस टेस्ट सीरीज से शायद कम हो जाएगा। अब हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बोर्ड एग्जाम काफी आगे चला गया, एंड ऑफ अप्रैल है, तो एंड ऑफ अप्रैल यानी हमारे पास अभी सॉलिड टाइम है। तो मैंने 11th ऑफ मार्च तक एक टेस्ट सीरीज मॉडल डिजाइन की जिसको मैं 10वीं क्लास के बच्चों के लिए किया था। सिलेबस 9th है बट 10वीं क्लास के बच्चों को किया था। अब मैं इस पूरे टेस्ट सीरीज को एक्सटेंड कर रहा हूं अपने एग्जिस्टिंग क्लास 9th स्टूडेंट्स, अपने एग्जिस्टिंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। और हाँ, ये एकदम मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, जो चाहेगा उसी के लिए है। और ये ओपन में और सारे स्टूडेंट के लिए कर रहा हूं, दोज हु आर नॉट इन अविरल क्लासेस पावर्ड बाय माई क्लासरूम, इसमें जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। तो अब उसके लिए आपको करना क्या है और टेस्ट शेड्यूल कैसे वर्क करेगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, उसके बारे में मैं एक एक करके बताता हूं। पहले तो जो पैटर्न होगा और टिपिकली ऑनलाइन होगा, टेस्ट सीरीज आपको ऐप पे मिलेगी। रीजन क्या है, इवेल्युएट करना, चेक करना, डिस्टेंस, जगहों से लोग टेस्ट नहीं दे पाएंगे अगर मैं फिजिकल करता हूं, और पेरेंट्स इसको इंश्योर करें कि टेस्ट अपने सामने दिलाएं, बिकॉज इस एज पे हम बिल्कुल इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि वो कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ बच्चा टेस्ट दे। तो जो स्टूडेंट अविरल क्लासेस में पढ़ रहे हैं और हमारे आसपास सेंटर हैं वो सेंटर पे आके ही देंगे, उनको हम घर से टेस्ट देना अलाउ नहीं कर सकते। दूसरी बात, कुछ जो बाहर के स्टूडेंट हैं वो घर से दें, लेकिन मैं उनके पेरेंट्स रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इंश्योर करें अपने बच्चे के बेटर फ्यूचर के लिए कि अपने सामने टेस्ट दिलाएं, क्योंकि अगर आप अपने सामने टेस्ट नहीं दिलाओगे तो उस टेस्ट का पर्पस खत्म हो जाएगा। टेस्ट के इमीडिएटली सबमिट करने के बाद आपको पूरा रिजल्ट आपका पॉपअप कर जाएगा और उसका सोल्यूशन, काफी हद तक सोल्यूशन भी हम देंगे ट्रिकी क्वेश्चंस का, उसका सोल्यूशन भी आपको दिख जाएगा। तो ये तो रहा टेस्ट पैटर्न कैसे होगा। अब थोड़ा और इसके माइक्रो लेवल पे मैं आता हूं। माइक्रो लेवल पे ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी साइंस में कवर करेंगे, 20 क्वेश्चन फिजिक्स, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 20 क्वेश्चन बायोलॉजी और 60 क्वेश्चन मैथमेटिक्स। ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जिसे हम साइंस बोलते हैं 9th-10th में, इसके 60 क्वेश्चन के लिए हम 120 मिनट्स अलॉट करेंगे, इट मीन्स 2 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। इसमें निगेटिव मार्किंग होगा, +4 मार्क्स फॉर करेक्ट ऑप्शन और -1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए कोई मार्क नहीं होगा। सेम मार्किंग स्कीम मैथमेटिक्स में भी होगी, +4 -1, 60 क्वेश्चंस, 2 आवर्स, यानी एक दिन में बच्चे को 4 आवर का टेस्ट लिखना होगा। अब 4 आवर का टेस्ट आप सोचोगे कि 1 गो में देंगे या 2 गो में, ये आपके ऊपर है कंप्लीटली।
पूरे दिन विंडो ओपन होगी, मॉर्निंग 10 o'clock से 12 o'clock तक, या कुछ अगर चेंजेस होंगे तो हम उसको आपको इन्फॉर्म करेंगे। ऐप का लिंक नीचे है और नीचे इस डिस्क्रिप्शन में मैं एक गूगल सीट अटैच कर रहा हूँ जिसमें आप लोग की इन्फॉर्मेशन होगी, जहां से हम आपको डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे, हमारे जो टीम है वो कनेक्ट होके आपको टेस्ट दिलाएगी। याद रखिएगा इस टेस्ट का कोई भी चार्ज नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री है। और पूरे सिलेबस को, जैसे मैं आप देख सकता हूं मेरे सामने चैप्टर्स रखे हुए हैं, फिजिक्स में कुल मिला के 5 टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री में 4 टॉपिक हैं, मैथमेटिक्स में 15 है, और बायोलॉजी में 6 टॉपिक्स है। तो इनको मैंने 5 टेस्ट में डिवाइड किया है। टेस्ट नंबर 1 24 था, फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, फिर अगले 3 दिन 2 दिन का गैप रखा है, तीसरे दिन 27 को अगला टेस्ट है, उसके बाद 2 दिन का गैप रखा है, 2 मार्च को अगला टेस्ट है, उसके बाद फिर 2 दिन का गैप रखा है, 2 के बाद 5 को एक तीसरा टेस्ट, चौथा टेस्ट है, और 8 को इनका फाइनल टेस्ट है। यानी हर टेस्ट में टॉपिक क्या क्या है वो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, और जो 11th को टेस्ट होगा आखिरी वाला, वो कंप्लीट सिलेबस होगा, कंप्लीट सिलेबस के क्वेश्चंस आएंगे। तो बाय दिस वे आप लोग को अच्छा खासा, कुल मिला के 6 टेस्ट है और 120 × 6 720 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपका बच्चा कर लेगा। और ये जब कर लेगा, इनमें जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा, नेचुरली उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली आगे चल के। और इसके बाद मैं 11th मार्च के बाद, इमिडिएटली बाद 15th मार्च से लेके 15 अप्रैल तक, मोस्ट प्रॉबली मैं आप लोग का 10th सिलेबस का एक टेस्ट सीरीज दूंगा जो इसी के इमीडिएट बाद होगा। तो 9th वाले बच्चे उस 10th के सीरीज को डिसकंटिन्यू कर देंगे, बट 10th वाले बच्चे उसको कंटिन्यू करेंगे। बिलीव मी इट विल वर्क, और इतना ज्यादा मेहनत इस हेल्प करेगा आप लोग को कि मैं आपको बता नहीं सकता। डिस्क्रिप्शन में आप लोग कमेंट अपने लिख सकते हैं, अपने क्वेरीज लिख सकते हैं, हमारी टीम आपको डेफिनेटली इस पे बताएगी क्या करना है, कैसे करना है। जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेरी हो आपकी, कुछ और आपको जानना है, करियर से रिलेटेड आपको क्वेरी हो, तो आप कमेंट करिए, और कमेंट करके एक मिस्ड कॉल नंबर मैं आपको दे दे रहा हूँ, उस मिस्ड कॉल पे बताइए, और कोई ना कोई डे टाइम में, वर्किंग डे में कोई ना कोई हमारा मेंबर आपको कनेक्ट करके आपको इस पे आंसर और क्वेरी का आंसर कर सकता है। सो मैं रिकमेंड करूंगा हर पेरेंट को कि इस टेस्ट को दिलाइए। मे बी किसी बच्चे का फाइनल एग्जाम चल रहा हो, मे बी किसी बच्चे का कुछ और बोर्ड की प्रिपरेशन, प्री बोर्ड चल रहा हो, ऐसे केसेस में कुछ पर्टिकुलर टेस्ट आप स्किप कर दीजिए, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट स्किपिंग ऑल द टेस्ट बिकॉज ऑफ योर सम प्री बोर्ड एंड अदर थिंग्स आर शेड्यूल्ड, वो ठीक नहीं है। मेरा मानना है पर्सनली, एज एन एकेडमिशियन इतने सालों से जो मैं पढ़ाता हूँ, उसका ये निचोड़ है कि जितना प्रेशर देंगे बच्चों को, बच्चा उतना ही निखर के आता है। सो आई होप आप लोग इसको पॉजिटिवली लेंगे, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अदरवाइज कोई कंपल्सन नहीं है, नो नथिंग मैंडेटरी, आप ऑप्शनल है, जिसको देना हो वो दे, नहीं देना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।